सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो कैसे आप सब लोग भाई? तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सो भाई, ये हमारे R15 V3S और इसका हम रिव्यू करने वाले इस वीडियो के अंदर, और सारे प्रॉस बताएंगे भाई कि क्या क्या इसको लेने के फायदे हैं और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। सबसे पहले आप इसका वॉक अराउंड कर लो भाई, दिखती कैसे अपनी प्यारी सी धन्नो भाई। फटाफट दिखा दो कैमरामैन, तेरी इधर ही खड़े रह। सो भाई, आपने देख लिया होगा चारों ओर इसका वॉक अराउंड करके कि भाई इसका लुक कितना प्यारा है भाई। तो सबसे पहली इसका जो प्रॉस है वो है कि भाई इसका माइलेज, भाई इसका माइलेज जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है भाई। 155 सीसी सेगमेंट में भाई आपको मतलब इतना अच्छा माइलेज निकाल के देगी कि कोई और बाइक आपको इतना अच्छा माइलेज नहीं निकाल पाएगी भाई, सही बताऊँ तो। सबसे पहले इसका माइलेज देखो भाई, मैं अपने लोकल का दिखा रहा हूँ भाई, दिखाओ एक बार लोकल का माइलेज है। जैसे मैं लोकल नॉर्मल अपनी कॉलोनी वगैरह में घूमता हूँ, गलियों में घूमता हूँ, तो भाई 37 का इसका माइलेज दिख रहा है, आ रहा है फिलहाल, इसमें शो नहीं कर रहा है, ज़्यादा हो गई कि धूप वगैरह दिख रहा है इसमें, छोड़ो। 37 का इसने भाई माइलेज दिया मैं लोकल में, और अगर हाईवे की बात करें तो भाई ये 55 तक का इसने माइलेज दिया मेरे को हाईवे में। जब मैं दिल्ली से भाई काशीपुर आया था तो 55 किलोमीटर का इसने मेरे को माइलेज दिया भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है 155 सी सेगमेंट के हिसाब से। जिस हिसाब से बाइक का लुक है ना भाई, कोई यकीन नहीं कर सकता भाई इतना बढ़िया ये माइलेज देती है, और बाइकों से भाई काफ़ी अच्छा माइलेज है इसका, ठीक है। और सबसे मेन बात की भाई, यामा का इंजन है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, बहुत ही कूल इंजन है, बहुत ही बढ़िया इंजन है इसका, ये सबसे मेन बात है हमारी। और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं भाई, इसके अंदर है भाई हमारा ABS, डुअल चैनल ABS इसके अंदर है, जिससे कि भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मतलब अचानक से जब ब्रेकिंग करते हो ना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक या दो महीने पहले की बात है, जब मैं 120 से 30 की रफ्तार में जा रहा था, सामने मेरे सामने कुत्ता आ गया भाई, तो इस ABS ने मेरे को बहुत हद तक बचा लिया। मतलब कुत्ता तो नहीं बच पाया, मजाक कर रहा, मतलब कुत्ता बच गया और गाड़ी ने मेरे को काफ़ी हद तक बचा लिया। तुरंत ऑटोमेटिक मतलब जो ब्रेकिंग हुई ना, उससे भाई मैं भी बच गया, कुत्ता भी बच गया। तो ये फ़ायदा हुआ इसका ABS का, क्योंकि ABS के बिना भाई बहुत ही दिक्कत हो सकती है आपको, स्लिपरी एरिया है तो भाई आपकी बाइक फिसल जाएगी। अगर ABS है तो भाई मतलब बहुत भाई वरदान है भाई ABS, तो मतलब किसी भी बाइक में मतलब ABS वरदान है भाई। और तीसरी बात आते हैं भाई, इसमें टॉर्क कितना भाई, तो इसमें है हमारा 14 न्यूटन मीटर का इसके अंदर हमारा टॉर्क है, और 18.6 इसका हॉर्स पावर है इसके अंदर भाई, जो कि ठीक है भाई ना, 250 cc के हिसाब से ठीक है और सबसे बढ़िया है भाई। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं भाई हम, इसका लिक्विड कूल इंजन भाई इसके अंदर सपोर्ट करता है भाई हमारा लिक्विड कूल इंजन। तो भाई इधर आगे की साइड कूलेंट है, दिखाओ भाई छोटू, पैसे किस बात के दिए तुम्हें? सो भाई इसमें लिक्विड कूल इंजन है, यहाँ पे इससे कूलेंट डलता है इधर की साइड, ये अभी इसके अंदर यहाँ पे रेंज वगैरह शो करती है इसे कूलेंट की, और ये कार्बोरेटर है और हमारा कूलिंग फैन है यहाँ पे। सो इससे फ़ायदा ही होता है भाई कि जैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, हम बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो भाई इसका ऑटोमेटिक जो कूलिंग फैन है ऑन हो जाता है, और इससे फ़ायदा ही होता है कि भाई हमारी गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, चिल्ड हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका भाई मतलब हमारा प्रॉस रहने वाला है, ये इसका फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद बात करते हैं इसके टायर साइज़ की भाई। सो इसका जो पीछे का टायर साइज़ है, 140 सेक्शन का टायर है इसके पीछे, जो कि हमारा MRF का मिलता है हमें डिफ़ॉल्ट टायर, मतलब जो पहले से कंपनी फिटेड आता है तो MRF का मिलता है। फिलहाल हमने इसकी रेड लगाई पड़ी है। और आगे के सेक्शन की बात करें तो भाई हमें 100 सेक्शन का टायर मिलता है भाई यहाँ पे, आगे वाला टायर। पीछे वाला थोड़ा ब्रॉड है, आगे वाला थोड़ा कम ब्रॉड है, बट ठीक है यार, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। सो गाइस, इसके बाद हम आते हैं टॉप स्पीड के ऊपर भाई। टॉप स्पीड कितनी है भाई, आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कितनी हो सकती है टॉप स्पीड। कंपनी क्लेम करती है 135-140 के आसपास, बट ऐसा नहीं है, मैंने 138 का टॉप स्पीड इसको भगा रखा है 138 पे हाईवे पे। थोड़ा बीच में जैम वगैरह हो गया था, उस चक्कर में खींच नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आराम से 150 पार ही कर सकती है भाई, आराम से इजिली कर सकते हैं, आप ढंग से भगाओ तो भाई बहुत बड़ी बात है। 155 सीसी के लिए भाई 150 प्लस मतलब स्पीड कवर करना भाई बहुत ही बड़ी बात है। सो स्पीड के मामले में तो भाई थम्स अप है भाई इसको, और बहुत ही प्यारी बाइक है। और सबसे मेन बात भाई इसका लुक इतना प्यारा है ना, मतलब ये लगता नहीं है कि 150 cc का इंजन होगा, ऐसा लगता है कि भाई 300-350 cc का इंजन है। क्योंकि जब भी कोई बंदा देखता है ना मेरे को, बोलता है भाई कितने सीसी का इंजन है, मैं बोलता हूँ भाई आप बताओ कितने का, तो वो बोलते हैं भाई 300-350। तो देख के लगता नहीं है 150 cc का इंजन है, क्योंकि भाई जो इसका लुक है भाई बहुत ज़्यादा वाइड है और काफ़ी मतलब चौड़ी सी बाइक लगती है, तो लगता नहीं कि भाई 150 cc होगी, ऐसा लगता है कोई हायर सीसी की बाइक जा रही है। और भाई बहुत तगड़ी है। और इसके बाद हम आते हैं भाई इसके सर्विस कॉस्ट के ऊपर। भाई सर्विस कॉस्ट जो हमारा मेन मुद्दा है कि बाइक में सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, तो मैंने इसके लगभग 3 सर्विस करा ली है। फर्स्ट सर्विस में मेरा भाई खर्चा आया था मोटा मोटा 2000 रुपये के आसपास, क्योंकि उस समय इसमें पहले सर्विस से तो ना भाई चूतिया सा काट दिया मेरा वो सर्विस सेंटर वाले ने। तो फर्स्ट सर्विस की 2000 रुपये की हुई थी, उसके बाद दूसरी सर्विस इसकी 1100-1200 की हुई, तीसरी भी 1100-1200 की हुई, तो अब चौथी सर्विस होगी उस टाइम बाद। तो नॉर्मल ये कि सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है, 1.5 से 2000 के बीच में वो सर्विस इजीली हो जाएगी, जो कि भाई बहुत ही अच्छा है यार। 1.5-2000 मतलब क्या होते हैं, 2-3 महीने में एक बार सर्विस होनी है, 1.5-2000 की सर्विस होगी,
और इसके पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हैं भाई आफ्टर मार्केट बहुत ज़्यादा, और इतने महंगे भी नहीं है, इसके पार्ट्स बहुत सस्ते पार्ट्स हैं और कहीं भी आपको मिल जाएंगे। तो सर्विस के मामले में भाई कोई दिक्कत नहीं है कि आप भाई बहुत महंगी सर्विस है या क्या है, बहुत सस्ती सर्विस है। और उसके बाद बात करते हैं कम्फर्ट के ऊपर, तो कम्फर्ट इसका भाई ठीक है क्योंकि जिसमें स्प्लिट सीट नहीं है, इसमें पूरी सिंगल सीट है, तो सिंगल सीट में कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी स्प्लिट में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे R15 V3 हो गई या V4 हो गई या M हो गई, तो उसमें भाई स्प्लिट सीट है, और इसमें स्प्लिट सीट नहीं है क्योंकि S है, S मॉडल है, तो इसमें भाई बैठने की कोई दिक्कत नहीं है, आप फैमिली मेम्बर को बैठा सकते हो। और कुशन भी काफ़ी अच्छी है, देखो भाई प्रेस करके दिखा रहा हूँ मैं, भाई कैमरा ने पैसे दिए तुम्हें 100 रुपये दिए हैं, देखो प्रेस करके दिखा रहा हूँ भाई कितनी बढ़िया ऐसी कुशन है। पीछे की थोड़ी टाइट है हार्ड, बट इतना मैं मैटर नहीं करता क्योंकि हमें तो चलाने से मतलब, जो बैठेगा वो देखेगा। तो भाई इसकी कुशन भाई बहुत बढ़िया है। और उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं भाई कि इसकी प्राइस की, भाई जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो इसकी प्राइस कितनी है भाई। सो मैंने ली थी भाई 2023 में, तो उससे मेरे को पड़ी थी भाई 2,02,000 रुपये की मेरे को पड़ी थी, और फिलहाल इसका प्राइस हो चुका है 2,10,000 से लेकर 2,15,000 के बीच में, कहीं कहीं 20,000 भी हो चुका है। तो आप लोग अपने स्टेट के हिसाब से पता कर लेना क्योंकि सब जगह अलग अलग प्राइस है, ठीक है। और बात करते हैं भाई इसकी EMI कितनी बनती है, तो मिनिमम आपको 30-40% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद देन जितना ही बचेगा आपका ये EMI बन जाएगी, ठीक है। और भाई मेरे को तो काफ़ी सस्ते में पड़ गई थी क्योंकि थोड़ा सीन था अपना, कॉल आगे छोड़ो इग्नोर मार। और सबसे मेन बात भाई अगर पॉइंट है इसमें कि भाई इसकी मॉडिफिकेशन मतलब अंधी लेवल की मॉडिफिकेशन है, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ भाई कि जितनी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं भाई उतनी हम किसी और बाइक के अंदर नहीं कर सकते भाई। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और मॉडिफिकेशन इसकी अंधी है भाई, इतनी कर सकते हैं कि भाई मुझे लगता नहीं कोई और बाइक है जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते इतनी, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, करते जाओ भाई, कभी ख़त्म नहीं होने वाली इसकी मॉडिफिकेशन। और भाई और बाइकों के हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया बाइक है, 150cc वाली 200 को टक्कर देगी, 250 को टक्कर देगी, 300 को टक्कर देगी, इवन 350 वाली बुलेट को भी टक्कर देगी। नीचे आपको वीडियो दिखाऊंगा भाई इसके ड्रैग रेस वाले, इसको आप लोग देख लेना, 350 वाले cc की जो बुलेट है हमारी क्लासिक 350, उसकी रेड लगा दी इसने। और राहुल भाई हमारे ड्राइव कर रहे थे।